नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। आज सुनेंगे गुरु पूर्णिमा की कथा। गुरु पूर्णिमा की कथा का खास महत्व है। हमारे जीवन में गुरु का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि बिना गुरु के ईश्वर भी नहीं मिलते। गुरु के द्वारा दी हुई शिक्षा से ही हम आगे बेहतर कार्य और अपनी प्रतिभाओं को लोगों के सामने प्रदर्शित कर पाते हैं। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि गुरु के बिना आप भगवान को नहीं पा सकते। सनातन धर्म में तो गुरु की महिमा का बखान अलग अलग तरीकों से किया गया है। इसलिए आषाढ़ शुक्ल की पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। इस दिन हर कोई अपने गुरु की पूजा करता है, लेकिन इस पर्व को महर्षि वेदव्यास के जन्म के खास मौके पर मनाया जाता है। आइए सुनते हैं इसकी कथा। गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाने के पीछे मुख्य कारण है महर्षि वेदव्यास का जन्म। महर्षि वेदव्यास भगवान विष्णु के अंश के रूप में धरती पर आए थे। उनके पिता का नाम ऋषि पराशर और माता का नाम सत्यवती था। उन्हें बाल्यकाल से ही अध्यात्म में काफी रुचि थी, जिसको पूरा करने के लिए उन्होंने अपने माता पिता से प्रभु दर्शन की इच्छा प्रकट की और वन में जाकर तपस्या करना शुरू कर दिया। लेकिन उनकी माता ने इस इच्छा को मना कर दिया। महर्षि वेदव्यास ने अपनी माता से इसके लिए हट की और अपनी बात को स्वीकार करा लिया, लेकिन उन्होंने उन्हें आज्ञा देते हुए कहा कि जब घर का ध्यान आए तो वापस हमारे पास लौट आना। इसके बाद वेदव्यास जी तपस्या करने वन में चले गए और वहां जाकर उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की। इस तपस्या के पुण्य के तौर पर उन्हें संस्कृत भाषा में प्रवीणता हासिल हुई, जिसके बाद उन्होंने चारों वेदों का विस्तार किया। महाभारत, 18 महापुराणों और ब्रह्मास्त्र की रचना की। उन्हें वरदान प्राप्त हुआ। ऐसा कहा जाता है कि किसी न किसी रूप में हमारे बीच महर्षि वेदव्यास आज भी उपस्थित हैं। इसलिए हिंदू धर्म में वेदव्यास जी को भगवान के रूप में पूजा जाता है। आज भी वेदों का ज्ञान लेने से पहले महर्षि वेदव्यास का नाम सबसे पहले लिया जाता है। गुरु पूर्णिमा के खास मौके पर आप भी आज महर्षि वेदव्यास जी की पूजा करें। तो ये थी आज की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही मेरे चैनल भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।